भैया लगता ही एकदम सुपर है। सुपर है वो करड़ जैन है सीमर से। ये इसका शेयर आ जाता है और ये नेचुरल पॉलिश है भैया। नेचुरल पॉलिश है भैया। नीचे पाव में भी हमें कार्विंग देखने को मिलेगी। ये टू सीटर है भैया, बाहर नए लुक में आता है, नए पैटर्न में आता है। सागवान की अलमारी है। हाइट कितनी रहने वाली है? ये 6.25 फीट की है। 6.25 फीट ये देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया मजे फैंटास्टिक और लर्न टॉक। आई होप यू ऑल डूइंग वेल दोस्तों। सो आज आप देख रहे हो हमारे पीछे काफी यूनिक आइटम्स है जो फर्नीचर का हमारे रहने वाला है दोस्तों। और ये देखो, आज मैं आया हुआ हूँ हबीबा वुड्स के यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली जो कार्विंग वाला फर्नीचर होता है बहुत फेमस और बहुत ही सस्ते रेटों में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखिए, काफी यूनिक यूनिक आइटम्स आज की वीडियो में हमारे पास रहने वाले हैं। कितना बढ़िया है सोफा लग रहा है अपने आप में। ये 2+2+3 सीटर ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इधर चलते हैं, आइए दोस्तों आप इधर भी, हमें दीवान काउच देखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत ही यूनिक चीज होते हैं, इसे तो बोलते हैं भारत की असली शान दोस्तों। और ये देखिए, इधर ये अलमीरा देखने को मिलेगी हमें, कितनी बारीकी से इसमें काम हुआ है। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं असली वर्क भाइयों। ये देखिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्पेस भी देखने को मिलेगा आपको। इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा, ये देखिए, और ये सारा का सारा वर्क जो हुआ है भाई, वो बहुत ही मेहनत से होता है। और ये जितना भी वर्क हुआ है सारा का सारा हाथों से तैयार किया जाता है। इधर हम आते हैं तो इधर हमें एक बेड देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बढ़िया बेड रहने वाला है। ये में कार्विंग देखने को नहीं मिलेगी, एकदम सिंपल बेड रहने वाला, लेकिन एकदम बेस्ट लुक के साथ में। तो हाँ जी दोस्तों, ये हमारे यहाँ के ओनर साहब। तो भैया कैसा, एकदम बढ़िया? तो ये हमारे यहाँ के हबीबा वुड्स के ओनर साहब है ना भैया। तो आप ये क्या लेके आए हो आज की वीडियो में हमारी ऑडियंस के लिए? पूरा एक शादी का सेट लेके आया हूँ जी। ये 7 सीटर सोफा लेके आया हूँ, 3+2+2+टेबल प्लस टेबल रहने वाला, टिकवुड की लकड़ी में रहने वाला है। ये सब टिकवुड में आया दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्विंग, अच्छी कार्विंग के साथ। और बैठने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से बैठने वाले होंगे है ना भैया? पूरी कंफर्टेबल है, फुल कंफर्टेबल रहने वाली है। और भैया सर, पॉलिश कौन सी हुई है? टिकवुड का नेचुरल कलर है ये, नेचुरल इसमें दोस्तों पॉलिश हुई है हमारे पास। और भैया कितने डेंसिटी की इसमें गद्दी लगने वाली है? 40 डेंसिटी गद्दी लगा हुआ है, 40 का दोस्तों। इसमें 40 डेंसिटी की हमने गद्दी लगाई हुई है भैया, है ना। और यहाँ पे स्टोन डाला हुआ है, बटन डाला हुआ है। और आप देख सकते हैं काफी प्यारा लुक आ रहा है, आप ही देख सकते हैं कितनी बेहतरीन थिकनेस। देखो उसका कितना मोटा थिकनेस में, कितने इंच में हो सर? ये 1.5 इंच मोटा में, 1.5 इंच मोटाई में आपको इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इसे ही बोलते हैं भैया सहारनपुर की असली जान, है ना। हाँ जी, कलाकारी बढ़िया, हैंडीक्राफ्ट का पूरा। देखिए दोस्तों, तो सब कुछ ये हाथों से होता है? सब कुछ हाथों से है सर। आप देखिए तो कुछ ऐसा लुक, भैया एक बार बैठ के दिखाइए क्या लुक आता है। ये देखिए दोस्तों, मजा आएगा भैया, पूरा मजा आएगा भाई साहब। 3 बंदे कम्फर्टेबली एकदम बैठ सकते हैं दबा के, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। ये देखिए, और नीचे पाव में भी हमें कार्विंग देखने को मिलेगी। ये 2 सीटर भैया, एक बंद इतना बैठने के बाद इतना स्पेस बचता है। ये देखिए, यानी काफी स्पेस बचता है, काफी स्पेस है, कहने को 2 सीटर है, बट इसमें 3 का काम करता है पूरा। ये देखिए दोस्तों आप, और यहाँ पे भी सेम कार्विंग देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, और ये टेबल बनाया है, ये कस्टमर के कहने पे बनाया, 3x3 का साइज है इसका, 3x3 का साइज है, टीकवुड की लकड़ी में है पूरा। ऊपर मिरर भी दिया हुआ यार में से। ये देखिए दोस्तों, ये भी काफी प्यारा लुक लग रहा है पूरे सोफे सेट का। ये देखिए आप, इसका डिलीवरी आज जा रहा है पूरा सेट। ये देखिए, ये भी सेम 2 सीटर है, सेम 2 सीटर है वाला भी। ये देखिए दोस्तों आप, भैया जो फूल्स के डिजाइन होते हैं बंदा अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकता है, कस्टमाइज अपने हिसाब करते हैं। ठीक है, ठीक है। और कुशन काफी सारे डिजाइन है अपने पास, 50-60 कंप्लीट डिजाइन है, और जो भी कस्टमर बोलता है उस हिसाब से करा देते हैं, उस हिसाब से हो जाएगा भैया। ये देखिए, और आगे चलते हैं तो मैं ये भैया जी के यहाँ पे आपका ना, ये मेरा काउच है, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ जी। ये हर बार नए लुक में आता है, नए पैटर्न में आता है, ये काउच रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कार्विंग देखने को मिलेगी, कार्विंग देखने को मिलेगी आपको। इसको बोलते हैं मरोड़ी वाला दीवान। कौन से वाला भैया? मरोड़ी वाला दीवान, मरोड़ी। ठीक है, ठीक है। काफी यूनिक नेम है, काफी यूनिक नेम एकदम। ये देखिए, कुछ सामने से ऐसा लुक रखता है इसका, इसमें कार्विंग भी हो जाएगी, प्लेन बनाया, कस्टमर ने बोला कि प्लेन चाहिए जी, प्लेन बनाया हुआ, इस पे कार्विंग भी हो जाता है। और यहाँ से कैसे लुक आता है? ये
ठीक है ठीक है ठीक है भैया, यही प्रॉपर हम अपना कंप्यूटर भी सिस्टम भी रख सकते हैं यहाँ पर। पूरा ये लॉकिंग है, लॉकिंग है, इसका चेयर है, ये इसका चेयर आ जाता है, पूरा कार्विंग करा है। ये देखिए दोस्तों, और भैया आपके यहाँ सोफे की स्टार्टिंग कितने से है? मेरे यहाँ 14,000 से स्टार्टिंग, 14,000 से। और भैया ये स्टडी टेबल कितने की मिल जाएगी? मिल जाएगी आपको 9,000 रुपए की। 9,000 रुपए की जी। भैया मार्केट से बिल्कुल सस्ते दाम में सस्ता दाम है हमारे यहाँ, बहुत कम रेट पे। और यहाँ पे की लकड़ी की सागवान की अलमारी है, ये देख लो आप। भैया इसकी हाइट कितनी रहने वाली है? ये 6.5 फीट की है। 6.5 फीट, ये देखिए चौड़ाई में 5 फीट है, ऐसे 6.5 फीट, यानी चौड़ाई इसकी 5 फीट रहने वाली है और वैसे हाइट में 6.5 फीट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ये वाला ड्रो दिया, ये सिर्फ 1x1, 1, 2, 3, ये सब कपड़ों के लिए होता है। ठीक है, ये डोज दी हुई अपन, ये कुछ चैनल चैनल डाला हुआ सब में, बढ़िया कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा इसमें चैनल डाला हुआ है। कौन सी वुड में बताया भैया आपने? ये टीक वुड में भैया, टीक वुड में, यस पूरा टीक वुड में वाला। ये देखिए एकदम यूनिक चीज है भैया, साइड से पूरा कार्विंग आया देखो, और साइड से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी कार्विंग मिलेगी, पूरा कार्विंग आएगा। और ये नेचुरल पॉलिश है भैया? नेचुरल पॉलिश है भैया ये टीक वुड का। ये देखिए, और इसको टकाई बोलते हैं भैया? या इसको नहीं, इसको सिलाई बोलते हैं, टकाई दूसरा वाला होता है बारीक बारीक। अच्छा अच्छा, सिलाई में इसको सिलाई बोलते हैं भैया? तो सिलाई वाला बेड है पूरा, हैंड ओवर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी यूनिक आइटम्स है भैया अपने पास। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बेड लाए हैं अपना, ये बेड है भैया जी, आपको पहले भी दिखाया था मैंने एक बार पहले जी, बिल्कुल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं उसको लोग, ये देख काफी चल रहा है भैया, लगता ही एकदम सुपर है, सुपर है ये, बहुत प्यारा डिजाइन है, सिंपल है, सिंपल अच्छा लगता है। ये इसका साइड टेबल है, ये देखिए, ये इसका साइड टेबल आ जाता है भैया, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आता है ना जी भैया। तो भैया आपके आने हैं होलसेल प्राइस पे मिलेगा? होलसेल प्राइस मिलेगा हमारे ना भैया? हाँ जी भैया, यानी कितने भी बल्क में ऑर्डर करे बंदे हो जाएगा, 10, 20, 50 इतना भी बल्क में ऑर्डर करेगा उस हिसाब से मिल जाएगा, उस हिसाब से मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है इस साइड का, देखो कारीगर प्रॉपर प्लेन है, साइड में भी अपने को कार्विंग देखने को मिलेगी, कार्विंग नहीं है सिंपल ही है भैया, सिंपल है, प्लेन है, प्लेन रहने वाला है, बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है, बिल्कुल सर काफी प्यारा डिजाइन है, क्या ये क्या रहने वाला है? और ये बड़ी फ्रेमिंग है पूरा, फ्रेमिंग है जी भैया, इस पे बाकी है, बाकी हमारे जो मैंने साहब आपको ये बताएंगे सब, आप इनसे बात कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से जिसको एक एक चीजों को बहुत बारीक से सजाया जाता है, कार्विंग में जान डाली जाती है, और ऐसे ही हमारे यहाँ जो कुशन रहती है उसको भी अच्छी खास तौर से ख्याल रखा जाता है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ एक टीक वुड में बनी हुई आइटम है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसमें कीड़ा लगने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पर और भी अदर्स लकड़ी है जो शीशम में बनती है, और भी लकड़ियों में बनती है, लेकिन हम लोग क्या है कि खास तौर से इसको फर्नीचर को सागवान में इसीलिए बनाते हैं कि इसमें खराब होने का या कीड़ा या दीमक लगने का कोई चांस कहीं से कहीं तक नहीं रहता है। तो हम अपने दर्शकों से और ये कहना चाहेंगे कि आप हमें एक बार इस फर्नीचर में सेवा का मौका हमें ज़रूर दें, हम आपको बहुत ही अच्छे प्राइस और कम प्राइस में हम आपको अच्छी और यूनिक चीज़ बना करके देंगे। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ ये हमारा सोफ़ा सेट हो गया, जैसे कि ये 3 सीटर है, ये 2 सीटर है, इधर एक 2 सीटर है, और बीच में हमारे पास एक सेंटर टेबल है, इसमें भी अच्छी यूनिक और अच्छी कार्विंग की हुई है, और उसके ऊपर एक ग्लास लगाया हुआ है। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ अदर्स इसके अलावा आइटम जैसे अलमीरा हो गया, ये 5 फीट में, और इसके अलावा छोटा साइज हमारे यहाँ रहता है 3.5 फीट में, और इसके अलावा हमारे यहाँ 3 फीट में ही बनता है। और अगर आपको जैसे कि मान लेते हैं कि जो मीडियम साइज रहता है, जो एक्यूरेट चलने वाला साइज रहता है, वो हमारे यहाँ 3.5 फीट का रहता है, उसमें आप अच्छी तरीके से आपको एक हैंगर मिलेगा, उसी के साथ साथ में आपको एक लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपनी ज्वेलरी कैश या गोल्ड कुछ भी रख सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म रखने का बड़ा अच्छा स्पेस मिल पाएगा। तो भैया फर्नीचर का कोई भी आइटम तैयार हो जाएगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ आप कोई भी आइटम किसी से भी रिलेटेड लो, वो आइटम हमारे यहाँ फर्नीचर में तैयार हो जाएगा। यानी कि आपको फोटो दिखाया और बिल्कुल हूबहू तैयार करके आप देंगे? आप हमें ओनली उसका फोटो दिखाएं, या आप हमें किसी भी पेपर वर्क पे अगर समझाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्नीचर तैयार करके दे सकते हैं। और यानी हर एक किसी फर्नीचर पे आपको स्पेशली कार्विंग का काम देखने को मिलेगा? स्पेशली कार्विंग के काम के लिए स्पेशल माने जाते हैं। ये यहाँ का एड्रेस क्या रहता है? सर हमारे यहाँ का एड्रेस वुडन सिटी खाताखेड़ी के नाम से ये जाना जाता है, और यहाँ की फेमस जो एरिया है जिसको फेमस यानी कि नियर बाय कह सकते हैं, वो फैसल मस्जिद है, फैसल टाउन के नाम से जाना जाता है। और फैसल मस्जिद से जस्ट थोड़ा सा आगे चलने के बाद में टावर वाला हमारा एक कारखाना है जिसमें हम लोग ये फर्नीचर बनाते हैं, और यही हमारा एड्रेस है। ठीक है,
यानी कि भैया हर एक आइटम आपके यहाँ पे अवेलेबल है? अवेलेबल है, हर एक आइटम हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, स्टडी टेबल से लेके छोटे छोटे आइटम से लेके बहुत बड़े बड़े आइटम जैसे अलमीरा हुआ, बेड हुआ, सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक यूनिक आइटम्स बेसिकली हमें देखने वाले हैं, है ना भैया जी? जी भैया, एक चीज सर और बताते चले हम आपको, हम क्या है कि कस्टमर को सबसे पहले हम सेटिस्फाइज कराते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हमने टीक लकड़ी बोलकर कुछ और लकड़ी लगा दिया जी, और जी। फिर आपको टीक बोल दिया उसके ऊपर पॉलिश कर दिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल तैयार कराते हैं, बिल्कुल, और तैयार कराने के बाद में कस्टमर को सेटिस्फाइज कराते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये टीक ही लकड़ी है। जब वो इसको बिल्कुल सक्सेसफुली कर देते हैं तब जाकर हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं और पॉलिश कराते हैं। यानी कि हर एक किसी की कंफर्मेशन के साथ में काम होता है, है ना भैया? ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको कहेंगे कि टीक लकड़ी में है और बना दे उसको किसी और लकड़ी में, बल्कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर को फर्स्ट में उसको बिल्कुल ही संतुष्टि देंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको। हमें यहाँ स्टडी टेबल भी देखने को मिलेगी, है ना जी सर? तो इसका साइज क्या रहने वाला है? और भैया इसका 3 फीट साइज है, 2.5 फीट इसका हाइट रहता है, और सर इसका जो ये चौड़ाई रहता है ये सर 18 इंच रहता है। ये 18 इंच रहता है, ये भी पूरा टीक लकड़ी में बना हुआ है, और स्पेशलिटी इसको अच्छी तरीके से बनाया गया है, और इसका वर्क किस किस जगह पे आता है, जैसे कि हम लोग घर में लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको यूज़ में लिया जाता है, और दूसरे यूज इसका जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई ऑफिस है या आपका किराना स्टोर है, कोई भी आपकी शॉप हो उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्लाइडिंग रहता है कोई भी सामान रखने के लिए, उसी में हम आपको दे देते हैं, एक ड्रॉवर मिल जाता है लोग के साथ में, उसके नीचे हमारे पास एक स्पेस और मिलता है, इसके अंदर एक छोटा सा हमने डोर भी लगाया हुआ है, इसमें आपको कोई भी सामान रखने के लिए स्पेस अवेलेबल मिल सकता है। ये हमारे यहाँ का फर्स्ट स्टेप रहता है। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि लकड़ी को इस टाइप में इसको चिराते हैं जी। और चिरवाने के बाद में ये सिंगल सिंगल पीस में ऐसे हो जाती है, उसके बाद में इसको वर्क में यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे जो हमारे कारीगर हैं, नक्काशी वाले हो गए या कारपेंटर्स हो गए, पॉलिश वाले हो गए, उन सबका नंबर बाद में आता है, फर्स्ट में हम लोग इसको यहाँ पे रॉ मटेरियल में इसको रखते हैं। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे वर्कर्स लोग ये काम करते हैं और जो इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं। और ये क्या बन रहा है भैया? ये भी सर एक अलमीरा है जो ये जॉइंट में बना रहे हैं। ये जॉइंट में सर इसलिए बन रहा है कि इसको दूसरी या तीसरी मंजिल पर ले जाने के लिए आसानी रहे, क्योंकि अगर हम इसको एक ही पीस में बनाएंगे, वन पीस में बनाएंगे, तो फिर ये ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये भी सर एक यूनिक वर्क रहता है, क्योंकि हमें दो चीज़ों को बिल्कुल सेम बनाना रहता है ताकि उसकी फिटिंग अच्छी हो और उसको हम जिस जगह पर भी रखें वो अच्छे से फिट हो सके। अभी ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसमें हमारे कारपेंटर्स लोग काम कर रहे हैं। उसी के साथ में हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, ये भी बड़ी यूनिक चीज़ है। हमारे यहाँ ये नक्काशी होती है, फर्स्ट स्टेप में इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में जॉइंट किया जाता है, और इसको जॉइंट करने के बाद में फिर इसको कटिंग किया जाता है, और कटिंग करने के बाद फिर हमारे कारीगर लोग जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं, इसको नक्काशी कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन दे रहे हैं, तराश रहे हैं इसको बड़े अच्छे अच्छे और खूबसूरत अंदाज से, ये इनको काम करते हैं। और फिर इसके बाद में हमारे कारपेंटर्स लोग इन पार्ट्स को, इन छोटे छोटे पार्ट्स को कार्विंग होने के बाद में इस तरह की शेप में बदलते हैं। फिर ये भी अभी तक एक रॉ मटेरियल है, ये फाइनल नहीं है, अभी इसके ऊपर भी कारपेंटर का वर्क अभी बाकी है, वो अभी इस पर काम करेंगे। फिर इसमें और काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी समय लग जाएगा इसमें तैयार होने में अभी इसको, उसके बाद में जो ये चीज़ बन के निकलेगी वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी और बड़ी यूनिक चीज़ होगी, जो एकदम देखने में आपको अलग दिखाई देगी। और ऐसी नक्काशी, ऐसी आइटम मैं कह सकता हूँ कि शायद आपको कहीं और ना मिल पाए। तो सर अभी हमने आपको एक रॉ मटेरियल दिखाया, कारपेंटर्स का वर्क दिखाया, पॉलिश का बेस दिखाया, और जो हमारे यहाँ तैयार फर्नीचर है हमने आपको वो भी दिखा दिया। अब सर उसके बाद में एक स्टेप क्या रहता है कि जैसे कि हमको ये माल यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है या आपको डिलीवरी देना है, तो सर उसके लिए हम पैकिंग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने यहाँ पर इस माल को तैयार करा दिया और उसके बाद में फिर उसको हम ऐसे ही भेज देंगे, नहीं, बल्कि हम इसको पैकिंग कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराल रखा हुआ है, हमारे जो देहाती आदमी है वो शायद इसको बखूबी समझ सकते हैं कि पुराल किसको कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है कि हम हर एक आइटम को पुराल के अंदर उसको समेटते हैं, लपेटते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई स्क्रेच ना आए या वो कहीं से कोई डैमेज ना हो। उसके बाद में सर ये रहता है कि फिर ये एक प्लास्टिक वाला टांट होता है, इस प्लास्टिक टांट के अंदर हम इसको पैकिंग कराते हैं ताकि ये पानी से बच सके या किसी और अदर जैसे कि कोई नुकीली चीज हो या उन सब चीजों से ये बच सके, यानी कस्टमर के घर पर बिल्कुल सेफ पहुंचने वाली चीज़, है ना भैया? हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कस्टमर के यहाँ पर इसको बिल्कुल सेफ पहुँचाएं।